गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू रेडियो उड़ान। मैं हूं आरजे आकिब और हाजिर हो चुका हूं लेकर आपका फेवरेट शो वर्ल्ड टूर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, वो हेरिटेज साइट्स जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जगह दी है, या वो साइट्स जो दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है भले ही उन्हें यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जगह ना दी हो। अभी तक इस प्रोग्राम में आपने काफी सारी जगहों का दौरा किया और आज भी आप इस प्रोग्राम में खूबसूरत कंट्री में जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल म्यूजिकल ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं हम म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे or non-disabled, if you are in search of a life partner or a friend, here is an opportunity for you. वो कैसे? वो ऐसे, आपको सिर्फ डाउनलोड करना होगा इनक्लब, an inclusive app जो मिलाती है आपको आपके मन चाहे जीवन साथी से। My name is Tanya. I suffer from complete blindness in both my eyes. I made my profile on inclub app after hearing about it on radio channel. Thanks to inclub app, I have met new people and I have been able to find life partner for myself. मेरा नाम विशाल है।
मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। मुझे और मेरे परिवार वालों को मेरे लिए लड़की ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे रेडियो उड़ान से इनक्लब ऐप के बारे में पता चला और मुझे मिला मेरा मनचाहा जीवन साथी, थैंक्स टू इनक्लब एंड रेडियो उड़ान। तो इंतजार किस बात का, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.inclub.com और यू कैन कॉल 8208584524। हैप्पी मैच मेकिंग। क्या तुमने बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। क्या तुमने कश्मीर में जो गुलमर्ग है उसके बारे में सुना है? यार सुना तो है, वहाँ पे काफी तरह के फूल और बर्फ भी होती है। पर ये सब तुमने कहाँ से सुना? वर्ल्ड टूर? ये वर्ल्ड टूर क्या है? मैं आरजे आकिब लेकर आता हूँ आपके लिए शो वर्ल्ड टूर, जिसमें मैं कराता हूँ आपको दुनिया की सैर। हर गुरुवार शाम 8 से 9 और री वेबकास्ट हर शुक्रवार शाम 3 से 4 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Tired of reading? Me RJ Nisha is here with the show Book World, where I will explain your favorite novels stuffed with emotions and will enlarge your world. So be with me every Wednesday 8 to 9 PM and rewebcast every Thursday 3 to 4 PM only on Radio Run, a flight of life. वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, आप सुन रहे वर्ल्ड टूर, मेरे यानी आकिब के साथ हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम एक वाटरफॉल जिसका नाम नायाग्रा वाटरफॉल है उसी के बारे में बात करेंगे। ये वाटरफॉल जो है ये लोकेटेड है कनाडा और यूएसए के दरमियान और एक काफी प्रसिद्ध वाटरफॉल, काफी इंटरेस्टिंग वाटरफॉल इसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी वाटरफॉल के बारे में इसकी डिटेल्स जानेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जियोलॉजी, इसका टूरिज्म और इसका एडवेंचर जानेंगे, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सुनेंगे खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं न जाइएगा। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फॉल है कैनेडियन साइड में, इसकी हाइट जो है वो 188 फीट या 57 मीटर्स है, जबकि अमेरिकन साइड में इसकी हाइट 70 to 100 feet या 21 to 30 meters है। अमेरिकन साइड में इसकी हाइट कम है और उसकी वजह है इसके जाइंट रॉक्स जो इसके बेस पे है, काफी बड़े रॉक्स अमेरिकन साइड में इसके बेस पे है जिसकी वजह से इसकी हाइट अमेरिकन साइड में कम है। जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 2600 फीट फ्रॉम द कैनेडियन साइड और जो अमेरिकन साइड है उस तरफ तकरीबन 1060 फीट ये वाइड है। जो डिस्टेंस है अमेरिकन और यूएस एक्सट्रीमिटी में वो है 3409 फीट और 1039 मीटर्स। अगर इसके पीक फ्लो के बारे में बात करें तो वो है 225,000 क्यूबिक फीट 400 m³ क्यूबिक पर सेकेंड, इसका हाईएस्ट पीक फ्लो है। इसका जो एनुअल फ्लो रेट है 85,000 क्यूबिक फीट। इसका जो सबसे टॉप फ्लो होता है वो समर्स में होता है और इस फॉल की जो निगरानी करता है उसका नाम है इंटरनेशनल नायाग्रा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और IJC। कहा जाता है कि इसका जो पानी है वो दिखता है ग्रीन कलर का और इसका जो इसकी जो वजह है ग्रीन कलर दिखने की वो है 60 टन्स डिसॉल्व्ड साल्ट पर मिनट, यानी कि 60 टन साल्ट ये पर मिनट डिसॉल्व करता है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसकी जियोलॉजी के बारे में। जो नायाग्रा फॉल के फीचर्स है वो तकरीबन 10,000 साल पुराने हैं और कहा जाता है कि इसकी
जो बनने की वजह है वो है विस्कॉन्सिन ग्लेशिएशन। ये एक प्रोसेस हुई थी, या यूं कहूं एक डिस्ट्रक्शन हुई थी, जिसकी वजह से एक तो ये नायग्रा फॉल्स बने और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स एंड द नायग्रा रिवर भी बने थे। एक आइस शीट तैर रही थी जिसकी वजह से ये तीनों चीजें बननी थी इस कॉन्टिनेंट में। साइंटिस्ट का कहना है कि वहां पे एक बरीड वैली है जिसका नाम सेंट डेविड्स बरीड गॉज, ये उस वैली का नाम है जो इसी आइस शीट की वजह से नीचे दब गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर वर्ल्ड ट्यूर, मेरे यानी आकिब के साथ। मैं हाजिर होता हूँ इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे। ओ रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे।
ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओ रे पिया रे पिया रे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना। My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीजें, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं pwopatel55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radiodan.com। सुनते रहिए, जिंदगी खूबसूरत है। विद आरजे धड़कन ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा पकड़ है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब कैसे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, आप सुन रहे हैं वर्ल्ड टूर, मेरे यानी आकिब के साथ। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नियाग्रा फॉल्स के बारे में। नियाग्रा फॉल्स जो कि लोकेटेड है कनाडा और यूएसए के बीच में। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी इसकी जियोलॉजी के बारे में, अब बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। इस फॉल का जो नाम है
नायग्रा, इस पे काफी सारी थेरीज आई है कि इसका नाम कैसे पड़ा, और वो थेरीज जो है वो काफी डिफर करती हैं एक दूसरे से। तो चलिए कुछ थेरीज के बारे में या कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे नाम के बारे में कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स है कि कौन कौन सा कहां कहां से ये डिराइव हुआ है। अकॉर्डिंग टू इरोकियन स्कॉलर ड्यूस ट्रिगर, नायग्रा जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक ब्रांच ऑफ पीपल न्यूट्रल कॉन्फिडरेसी जिन्हें डिस्क्राइब किया जाता है एज नायग्रा पीपल, और इस स्कॉलर का जो आर्ग्यूमेंट है कि इन्हीं लोगों की वजह से इसका नाम पड़ा है नायग्रा फॉल। जॉर्ज ऑस्टवर्ट का कहना है कि ये जो नायग्रा फॉल है ये आया है इरोकोई टाउन कॉल्ड ओंगनिहारा, आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, आई विल टेल यू द स्पेलिंग ऑफ द टाउन, ओ एन जी एन आई डबल ए एच आर ए ओंगनिहारा, इस टाउन से इसका नाम लिया गया है जिसका मतलब है पॉइंट ऑफ लैंड कट इन टू। हेनरी स्कूल क्राफ्ट का कहना है कि ये जो नायग्रा फॉल्स है इसका नाम महोक एक वर्ड है वहां आया है और इसका मतलब है नेक ऑफ लैंड। कहा जाता है कि काफी सारे लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे विजिट किया जिसकी वजह से ये आज इतना प्रसिद्ध है, और जो सबसे पुरानी या सबसे पुराना आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे विजिट किया तो वो थे एक फ्रेंच मैन जिनका नाम सैमुअल डी चैंपेन। कहा जाता है कि इन्होंने 1604 में इस एरिया का विजिट किया, और इसके अलावा कहा जाता है स्वीडिश या फिनिश नेचुरलिस्ट पे या कैल्म उन्होंने इस एरिया को एक्सप्लोर किया इन द अर्ली 18th century, और उन्हें कहा जाता है कि ये फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉल्स है। इसके अलावा कहा जाता है कि एक बेल्जियन मिशनरी लुई हेनिपिन यहाँ पे उन्होंने विजिट किया था 1677 में, अर्लियर देन कल्म उन्होंने इसका डिस्क्राइब किया था 1677 में। इसके अलावा काफी सारे और भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है इसके बारे में जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसकी जो बहुत ही खतरनाक एनर्जी है उसकी वजह से ये काफी टाइम से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फॉल बना हुआ है और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस की जाती है। 1759 में पहला अटेम्प्ट हुआ जब यहाँ से एनर्जी उठाने की कोशिश की गई, और जो कोशिश डेनियल जेनकेर ने कोशिश की थी स्मॉल कैनल बिल्ट करने की अबव द फॉल्स अपनी 100 मिल को पावर देने के लिए। 1853 यानी कि 1853 में द नायग्रा फॉल्स हाइड्रोलिक पावर एंड माइनिंग कंपनी को बनाया गया था जिसने जल्द ही यहाँ पे कनाल्स की कंस्ट्रक्शन की थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। 1881 यानी कि 1881 में जेकब एफ स्कोलकफ इनकी लीडरशिप में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम या स्टेशन बिल्ड किया गया था। जो वाटर था वो तकरीबन 86 फीट से गिर रहा था और जिसकी वजह से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई थी, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी इसको यूज किया गया था ज्यादातर मिल्स में, और जो नजदीक के एरियाज थे उनको इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी। तो चलिए यहाँ पे अब सुनते हैं एक डॉक्यूमेंट्री इस नायग्रा फॉल्स के बारे में। आई होप उस डॉक्यूमेंट्री से आपको और भी ज्यादा जानकारियां हासिल होंगी इन फॉल्स के बारे में, और वहां से आने के बाद डॉक्यूमेंट्री सुनने के बाद हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इस पे जो एडवेंचरिंग की गई है या इस पे जो लोगों ने छलांगे मारी है या रस्सी डाल के लोगों ने इस पूरे फॉल को कवर किया है या पार किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप एंजॉय कीजिए इस डॉक्यूमेंट्री को, मैं हाजिर होता हूँ उस पार, तब तक
आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर वर्ल्ड टूर मेरे यानी आकिब के साथ। मैं हाजिर होता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के बाद। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। द फॉल्स ऑफ नायग्रा आर अ सीरीज ऑफ वॉल्यूमिनस वाटरफॉल्स ऑन द नायग्रा रिवर। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड after Victoria Falls in South Africa. 1/5 of all the fresh water in the world lies in the four upper Great Lakes, Lake Michigan, Lake Huron, Lake Superior, and Lake Erie. All of this outflow empties into the Niagara River and eventually cascades over the Niagara Falls. 750,000 U.S. gallons of water flow over both sets of falls every second. From here the water travels 15 miles through many gorges until it reaches the fifth Great Lake, Lake Ontario. Niagara Falls straddles the international border between the Canadian province of Ontario and the state of New York. The falls are situated 17 miles north-northeast of Buffalo, New York, and 75 miles south-southeast of Toronto, Canada. The falls lie between the twin cities of Niagara Falls, Ontario, and Niagara Falls, New York. Niagara Falls is composed of two major sections: the Horseshoe Falls on the Canadian side of the border, and the American Falls on the side of the United States, which is also known as the American side. These falls are separated by an island known as Goat Island. The American Falls are themselves divided into two distinct falls as well. The larger of the two is known simply as the American Falls. The smaller waterfall, divided from the larger American Falls by the landmass known as Luna Island, is known as the Bridal Veil Falls. The length of the American Falls is 1,060 feet across and is 176 feet high, with 70 feet of that being free fall for the water, due to the eroded rock formations at the base of the falls. On average, the flow of water over the American and Bridal Veil Falls is about 75,000 to 150,000 U.S. gallons per second. The American Falls gets about 10% of the flow of the Niagara River, while the Horseshoe Falls gets the other 90% of the flow. The torrent of water passing over the crest of the American Falls is about 2 feet deep. The length of the brink of the Horseshoe Falls is 2,600 feet and a height of 167 feet, an estimated 16 stories high. The flow over the Horseshoe Falls varies to about 675,000 U.S. gallons per second. That's almost twice an Olympic-sized swimming pool with a 12-foot diving well, weighing in at 360,000 gallons of water every second. In the middle of the Horseshoe Falls, at the crest, the water is about 10 feet deep as it drops over the ledge. The depth of the water at the bottom of the Horseshoe Falls is 184 feet deep, which is 17 feet deeper than the actual Horseshoe Falls is tall. The speed of the water passing over the falls is about 20 miles an hour. According to the United States Geological Survey, USGS,
Almost one-third of Horseshoe Falls lies within the territory of the United States. In addition, the Horseshoe Falls seem to be eroding away at a rate of nearly 6 feet a year. The rock is made up of dolostone and shale. Every night at dark, until around midnight, year-round, Niagara Falls is illuminated with colored lights from the Canadian side of the river. It was first illuminated at 10 p.m. on September the 14th, 1860, in the presence of the Prince of Wales. Today, the various colors used to illuminate the falls are white, red, yellow, green, and blue. Two operators currently illuminate the falls at night. The standard color of each light is actually white, and the light show is controlled by a single operator who changes the controls of the lights by changing the combinations of the colored films in front of each light. The 21 lights generate an enormous 8.2 billion candle power of illumination. There are differing theories as to the origin of the name Niagara Falls. According to the Iroquoian scholar Bruce Trigger, Niagara is derived from the name given to a branch of the locally residing native Neutral Confederacy, who are described as being the Niagagaria people on several late 17th century French maps of the area. Another source claims that the word Niagara is derived from the Iroquois word Oniguara, meaning the strait. More than 14 million people visit Niagara Falls annually. It is estimated that if every visitor to Niagara Falls stayed there at least one night, over $1 billion would be added to the local economy. The number of visitors in 2008 was expected to total 20 million, and by 2009, the annual rate was expected to top 28 million. The Skylon Tower in Niagara Falls, Ontario, is the tallest structure in the area. It opened for business on the 6th of October, 1965. The tower is 520 feet tall from street level and 775 feet in height from the bottom of the falls. There are three outside-mounted elevators and two restaurants, one of which revolves once every hour. The Skyline Tower is seen in the movie Superman 2. Niagara Falls is also the backdrop for the 1953 film Niagara, starring Marilyn Monroe and Joseph Cotten, and local footage of the falls was shot in October 2006 to portray the World's End sequence of the movie Pirates of the Caribbean at World's End. Illusionist David Copperfield appeared to go over Niagara Falls in a stunt he performed in 1991. The Maid of the Mist is the name of the boat tour of Niagara Falls. The actual boats used are each named the Maid of the Mist, followed by a Roman numeral designating which actual boat is in question. This tour is available from either the American side or the Canadian side of the Niagara River, just below the falls themselves. These boats start off at a calm point downstream of the falls on either side of the river
and then travel up the river past the American and Bridal Veil Falls and directly into the dense spray of mist inside the curve of the Horseshoe Falls, the engines straining to get as close as possible to the plunging roar of the Horseshoe Falls before being forced back downstream again, and then to turn and travel back to the original point of launch. The first Maid of the Mist was launched as a ferry service in 1846. The Maid of the Mist is well known for its role in the July 9, 1960 rescue of Roger Woodward, a 7-year-old boy who became the first person to survive a plunge over the Horseshoe Falls with nothing but a life jacket. The boat involved in the rescue, known as Maid II, was retired from service in 1983 and relocated to the Amazon River, where it served as a missionary ship for years after. Notable passengers on the Maid of the Mist tour, in chronological order, include King Edward VII, President Theodore Roosevelt, Marilyn Monroe, Mikhail Gorbachev, the Duke and Duchess of York, Prince Andrew and Sarah Ferguson, Prince Charles, Princess Diana, Prince William, Prince Harry, and President Jimmy Carter, and First Lady Rosalind Carter. There are a pair of attractions associated with the actual falls themselves, besides the Maid of the Mist tour boats. The Journey Behind the Falls on the Canadian side, and the Cave of the Winds tour on the American side of the falls. Both of these allow access to explore the falls from inside and behind the falls themselves. The Journey Behind the Falls is a series of tunnels and an observation platform extending some 46 meters behind the Horseshoe Falls. Cave of the Winds is a tunnel elevator ride which descends 175 feet and exits right into the splashing waters off the lower borders of the American Falls. Jones of Canton, Michigan, became the first person to survive an unprotected trip over the Horseshoe Falls without a flotation device on October the 20th, 2003. He survived the 16-story fall with only battered ribs, scrapes, and bruises. The first person to go over the falls in a barrel and survive was a 63-year-old female schoolteacher. The flow of water over both sets of falls was stopped completely on March the 29th, 1848, due to an ice jam in the upper river which lasted for several hours. This is the only time which this has ever occurred. The falls did not actually freeze, but the flow of water was stopped to the point where people actually walked out and recovered artifacts from the riverbed. The falls is actually frozen over in winter to the point where it can be safely traversed on foot. While the tremendous force of water never really stops flowing, mounds of ice as thick as 50 feet deep can be formed.
If the winter is cold enough, the ice bridge will form across the river and can extend for several miles down the river until it reaches the lower rapids. Until 1912, visitors were allowed to actually walk out onto the ice bridge and view the falls from below. The local paper, dated the 24th of February, 1888, carried a story which reported that at least 20,000 people watched or tobogganed on the ice. Shanties built on the ice bridges selling liquor, photographs, and curiosities abounded. On February 4, 1912, the ice bridge broke up, and three tourists lost their lives, thus ending forever the tourist attraction on the frozen ice bridge beneath Niagara Falls. In June of 1969, the American Falls was completely dried up, so the U.S. Army Corps of Engineers could effect repairs to the faults they found in the rock structure of the falls. Faults that could have, if left untreated, hastened the retreat of the falls. These are the erosions which threaten to forever change the shape of the falls into a new form, such as a series of rapids instead of a waterfall. In November of 1969, the temporary dam was dynamited, and the flow was again restored to the American Falls. One should plan to visit these falls at least once in his lifetime. The sheer hypnotic magnitude of the roaring falling water must be experienced in person. As Sir Arthur Conan Doyle had Sherlock Holmes say in one of the adventures, "From a single drop of water one might hypothesize an Atlantic." Niagara. Without having either seen or heard of one or the other. But until one actually sees, hears, and feels one of the other for himself, one has no idea what one is actually missing. NVDA screen reader software, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. Namaskar, mi Ananya Marathicha Awaz mi. Namaste, nanu Kannadada Dhwani Alpana. Namaskar, ami Bangla Awaz Paya. Namaskaram, nenu Telugu Swaram Geetanu. Vanakkam, nan Tamilina Kural Vani. Namaste, main Hindi ki awaaz Neel hoon. Hi, I'm Rishi, voice of Indian English. Jab ye Indian voices ek saath screen reader software mein judti hain, to banta hai Indo-NVDA. To dosto, ab aap khud ko Indo-NVDA ke aur kareeb payenge. Jab aap Bharat ki in bhashaon mein NVDA ki awaaz sun payenge. Duniya ki unlimited voices ko access karne ka Indo-NVDA khazana hai. To phir der kis baat ki? Saksham ko phone milana hai. Note kare Saksham ka helpline number.
01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शामे गजल के तमाम सामईन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया। पिछले चंद सालों में इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शामे गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शामे गजल आरजे सैफ के साथ ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है उसको कोई अब्यूज करे वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहां। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं वर्ल्ड टूर मेरे यानी आकिब के साथ। और दोस्तों आई होप आपने ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय की होगी। और चलिए ब्रेक या डॉक्यूमेंट्री सुनाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या यहाँ के एडवेंचर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। अक्टूबर 1829 सैम पाच एक आदमी था, जंप किया इस गॉज में हाई टावर से, और ये जो गॉज है ये बिलो द फॉल्स था, फॉल्स है, और सर्वाइव ये वहां पे बच गया। तभी से यहाँ पे एक ट्रेडिशन बना जंप करने का, और ट्रेडिशन उनके लिए बना जो डेयर डेविल्स है या जो बहादुर है या जो ताकत रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस किस ने जंप किया यहाँ पे। अक्टूबर 1901 की डेट है और 63 इयर्स की एज है। नाम एनी एडिसन टेलर, एक मिशिगन स्कूल टीचर है। वो पहली पर्सन बनी जो ओवर द फॉल्स से जंप किया गॉज में, और शी सर्वाइव्ड, हार्मलेस वहां से निकली। और ये उसका पब्लिसिटी स्टंट था। जब वो वहां से बच के निकली तो फिर उसने कहा कि नो वन ought to dare that again, यानी कि किसी को दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। टेलर की हिस्टोरिक राइड के बाद तकरीबन 14 यानी कि 14 लोग इंटेंशनली ओवर द फॉल्स से गिरे हैं इन और विदाउट अ डिवाइस। उनकी यानी कि टेलर की एडवाइस के बावजूद लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं, कुछ हार्मलेस सर्वाइव कर रहे हैं बट कुछ लोग बह भी जा रहे हैं या सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं। ये जो सर्वाइवर्स होते हैं ये इनको फाइन किया जाता है, इन पे चार्ज लगाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड में यानी कि यूएसए या कनाडा दोनों साइड में इलीगल है। तो इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वॉक्स के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ का बताता हूँ और उसके बाद मैं चलता बनता हूँ।
एक बंदा है मरिया स्पेल्ट्रेनी, इन्होंने वॉक किया यूनाइटेड स्टेट्स के साइड से लेके कनाडा साइड तक एक रोप पे, यानी कि एक रसीप पे वॉक किया, और इनके साथ इनका पासपोर्ट और एक डंडा था। इसके अलावा इनके साथ कुछ नहीं था। पासपोर्ट इनको इसलिए कैरी करना पड़ा क्योंकि इन्हें उस पासपोर्ट को अदर साइड पे दिखाना था। इसके अलावा फिर उन्होंने, ये पहली वुमन बनी 1876 जब इनकी एज 23 थी। 18 दिनों में इन्होंने 4 बार इसको क्रॉस किया। 12 जुलाई को इन्होंने क्रॉस किया जब इन्होंने पीच बास्केट्स पहने थे जिन्हें स्ट्रैप किया गया था उनके फीट के साथ। जुलाई 19 में इन्होंने ब्लाइंड फोल्ड लगा के इसको पार किया। जुलाई 22 में इन्होंने क्रॉस किया जब इनके एंकल्स और रिस्ट्स मैनिकल किए गए थे। फिर अंतिम बार इन्होंने जुलाई 26 को इसको क्रॉस किया। तो दोस्तों, ये था नियाग्रा फॉल्स के बारे में इसकी पूरी डिटेल्स। आई होप आपको काफी मजा आया होगा आपका शो आज सुन के, और हमने तो काफी एंजॉय किया आज आपके साथ बातें करते हुए, और उम्मीद है कि आगे भी आपके साथ इसी तरह बातें करते रहेंगे और आप इसी तरह शो को अपना प्यार देते रहेंगे। आपका फीडबैक काफी ज्यादा जरूरी होता है हर शो, हर एक शो के लिए और इस शो के लिए भी। तो चलिए, चलते चलते आपको बताता चलूं कि आप हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.radioudaan.com, हमारा फेसबुक पेज / ग्रुप www.facebook.com/radioudaan, ट्विटर पे @radioudaan, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू भी फीडबैक दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शोज। अगर आप स्काइप पे एडिड नहीं है तो अभी आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, हम आपको ऐड करेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर 9906645915। इस पे आप ऐड लिख के मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इस उड़ान लाइव शोज के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी आपसे, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते बात करेंगे किसी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, हमें अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनी अल्पना। नमस्कार, आमी बांग्ला आवाज पाया। नमस्कारम, नेनु तेलुगु स्वरं गीतनु। वणक्कम, नान तमिळरिन कुरल वाणी। नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह
तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामईन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12, और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू, और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, Only and only on Radio Udaan. Kya hai nikal pade ho. Mudde jo baat kare hamare samaj ke hit ki. Jiski bahut limited mobility hai, usko koi abuse kare, wo bhaag ke ya daud ke khud ke bachav mein jayega bhi. तो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर, तो सुनना मत भूले बदलता दौर मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर लेटेस्ट वीडियोज ऑफ रेडियो उड़ान डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन।